तो अदब का बड़ा नाम है। सहबा अख्तर लाइब्रेरी को जदीद तर्ज पर बनाएंगे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि किताबें इल्म का दरिया होती हैं जो पढ़ने वालों को इल्म से सैराब करती हैं। मारूफ शायर सहबा अख्तर की साहबजादी डॉक्टर शैला से मुलाकात की और इस मौके पर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी वर्स जमशेद कायम खानी, आरिफ शाह और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने सहबा अख्तर की अदबी खिदमत को सराहते हुए कहा कि सहबा अख्तर का शुमार उन शोरा में होता है जिन्होंने उर्दू अदब और शायरी के हवाले से बहुत ज्यादा काम किया। उनके 5 शायरी मजमुए मंजर आम पर आ चुके हैं। बल्दिया वस्ती ने सहबा अख्तर की अदबी खिदमत के एतराफ में जिला वस्ती नाजमाबाद की एक लाइब्रेरी को इनके नाम से मंसूब किया है। बाद अज़ां चेयरमैन रेहान हाशमी और डॉक्टर शैला ने सहबा अख्तर लाइब्रेरी का दौरा किया और वहां पर मौजूद किताबों का मुआयना किया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने इस मौके पर कहा कि आज इंटरनेट और मोबाइल का दौर है और किताबें पढ़ने का रुझान कम होता जा रहा है। हम कुतुबबीनी के शौक को उजागर करने के लिए जदीद लाइब्रेरी का क्याम अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं और इन लाइब्रेरियों में जदीद उलूम से मुतालिक और मुख्तलिफ मौजूआत पर किताबें कायरीन के लिए फराम करना होंगी ताकि नई नस्ल को मुताले की जानिब रागिब किया जाए और किताबों से इस्तिफादा हासिल करें। चेयरमैन रेहान हाशमी ने डायरेक्टर लाइब्रेरी को हिदायत की कि सहबा अख्तर लाइब्रेरी की तज़ईन और आयश के काम को जल्द शुरू किया जाए। वाज़ेह रहे कि कराची में अवाम के लिए लाइब्रेरी की सहूलियात ना होने के बराबर है, ताहम जो चंद लाइब्रेरी मौजूद है इनमें भी मुताले के लिए जरूरत के मुताबिक किताबें दस्तियाब नहीं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। चेयरमैन जिला कौंसिल।